गुड मॉर्निंग साथियों, आरकेपीजी साइंस कॉलेज कालवाड़ जयपुर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में बीए फर्स्ट ईयर का द्वितीय प्रश्न पत्र विषय हिंदी साहित्य और खंड से हिंदी साहित्य की गद्य विधा से संबंधित टिप्पणी पर प्रश्नोत्तर आपको करवाए जा रहे हैं खंड से, तो आपको अभी एकांकी वाले क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। इसके कुछ क्वेश्चन हमने पिछले वीडियोज में करवा दिए हैं संबंधित, और आगे हम ले चलते हैं। आपको देखेंगे आप प्रश्न क्या है आपका। बच्चों, एकांकी के तत्वों का विस्तार से विवेचन कीजिए। पिछले वीडियोज में हमने एकांकी का उद्भव और विकास से संबंधी क्वेश्चन करवाए हैं आपको, और अब हम बात करेंगे एकांकी के तत्वों की। तत्व कौन से होते हैं वो उन पे हम बात करेंगे। तत्वों का विस्तार से विवेचन करना है तो हम आगे देखेंगे एकांकी के तत्व, इस पर चर्चा करते हैं। बच्चों, एकांकी के तत्व कौन कौन से हैं उस पर चर्चा करेंगे, बताएंगे आपको। बात करते हैं बच्चों एकांकी के तत्वों की। तो पहला पॉइंट है इसमें कथानक, और दूसरा पात्र या चित्रण, तीसरा पॉइंट है कथो कथन या संवाद, चौथा पॉइंट है संकलन त्रय, पांचवा है देश काल या वातावरण, छठवा है भाषा शैली, सातवा है उद्देश्य, आठवा है अभिनयशीलता, नौवा है प्रभाव ऐक्य, और दसवां है दृश्य विधान। उसके बाद में आपका आ जाएगा निष्कर्ष। तो बच्चों, ये 10 तत्व आपके एकांकी के, वैसे तो 9 तत्व माने जाते हैं, लेकिन यहाँ 10 तत्वों का विधान बताया गया है। तो देखेंगे आप इस प्रकार से इनका 10 तत्वों का आगे विस्तार हुआ है। देखेंगे आप बच्चों, एकांकी में भी वही तत्व होते हैं जो उपन्यास, कहानी या नाटकों में होते हैं। आप सबने ये चीजें पढ़ी हैं और समझते हैं इन चीजों को, क्योंकि परंतु उनकी प्रकृति अलग होती है। उपन्यास, नाटक या कहानी जो भी हैं, उनमें सभी में यही तत्व पाए जाते हैं, लेकिन उनकी प्रकृति अलग होती है। साथियों, एकांकी के मुख्यतः 9 तत्व माने जाते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, कथानक, चरचित्रण, कथोपकथन, संकलन त्रय, देशकाल, भाषा शैली, उद्देश्य, अभिनयशीलता, प्रभाव ऐक्य तथा दृश्य विधान। यहाँ इन सभी तत्वों का विवेचन प्रस्तुत किया जा रहा है। तो आप देखेंगे कथानक की बात करते हैं। बच्चों, पहला पॉइंट है आपका कथानक, उस पर चर्चा करते हैं। एकांकी का कथानक कहीं से भी लिया जा सकता है, किंतु वह संक्षिप्त, सुगठित, सोद्देश्य और सांकेतिक होता है। बच्चों, कथानक छोटा होता है और उसमें एक ही कार्य या घटना की प्रधानता रहती है। एकांकी में मुख्य घटना के अतिरिक्त सहायक घटनाओं के लिए अवकाश नहीं होता है। एकांकी में कार्य का विकास बड़ी तीव्र गति से होता है, इसलिए उसमें कथा अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़नी चाहिए। साथियों, नाटक में कथानक की 5 अवस्थाएं मानी जाती हैं। नाटक में कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं 5? आरंभ, प्रयत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति और फलागम। साथियों, ये नाटक की 5 अवस्थाएं हैं। एकांकी में कार्य विकास की उक्त अवस्थाओं में आरंभ और फलागम में अधिक दूरी नहीं होनी चाहिए। बीच की अवस्थाओं को संक्षिप्त स्थान देना चाहिए। बच्चों, एकांकी अच्छा वही एकांकी माना जाता है जो यथाशीघ्र फलागम प्रदर्शित करे। एकांकी के कथानक में प्रत्यक्षता और दृश्यात्मकता की विशेषताएं अनिवार्य हैं।
इसमें संघर्ष एवं अंतर्द्वंद की तीव्रता होनी चाहिए साथियों, तभी एकांकी का कथानक प्रभावशाली बन पाता है। ये बात हुई हमारी कथानक की। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, चर्चा करते हैं आपसे पात्र या चरित्र चित्रण। इसमें पात्र किस प्रकार से होते हैं, उनका चरित्र चित्रण किस प्रकार से बताया जाता है आपको देखेंगे आप आगे। जैसे कि एकांकी में पात्र परिकल्पना एवं चरित्र चित्रण की विशेषताएं होती हैं। साथियों एकांकी में पात्रों की संख्या सीमित होती है। एकांकीकार को सीमित पात्रों की चरित्र रचना में भी सीमित रेखाओं से काम लेना पड़ता है। साथियों इस कारण वह सफलतापूर्वक उन पात्रों को निजी व्यक्तित्व प्रदान करता है। उसमें पात्र की एक एक भंगिमा और उसके शब्द की अनुतान, मंच पर पात्र की एक एक गति पात्र के व्यक्तित्व के गढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथियों एकांकीकार चाहे तो स्वतंत्र व्यक्तित्व के पात्रों की परिकल्पना करे, विशिष्ट कोटि के पात्रों की दृष्टि सृष्टि करे, अथवा ऐसे पात्र रखे जो किसी वर्ग, प्रवृत्ति, विचार या भावना के प्रतीक हों। केवल शर्त यह है कि उसके पात्र सजीव, विश्वसनीय और प्रभावशाली होने चाहिए। साथियों उनमें स्वाभाविकता होनी चाहिए और वे कोरे आदर्शों के पुतले नहीं होने चाहिए। बच्चों एकांकी के पात्रों का चरित्र चित्रण प्रत्यक्ष शैली में होना चाहिए। लेखक उनके विषय में अपनी ओर से कम कहे, पात्रों के आचरण या कार्यों से ही उनका चरित्र सामने आना चाहिए। इसलिए उनके कथोपकथन सशक्त होने चाहिए और उद्देश्य से उनका सीधा संबंध होना चाहिए। तो ये बात हुई आपके पात्र या चरित्र चित्रण की। अब हम तीसरे पॉइंट पर ले चलेंगे आपको। तीसरा पॉइंट है बच्चों कथोपकथन या संवाद। संवाद यानी आपसी जो वार्तालाप होता है वो, उसको संवाद कहते हैं या कथोपकथन। तो आप देखेंगे पात्रों का कथोपकथन या संवाद किस प्रकार से होना चाहिए। बच्चों संवाद एकांकी के प्राण माने जाते हैं और एकांकी का अपने कथ्य को कथोपकथन के द्वारा ही कहता है। इसलिए एकांकी के संवादों में सजीवता, स्वाभाविकता, संक्षिप्तता, रोचकता, वाक् विविधता, व्यंज्यात्मकता, द्वंद्वात्मकता इत्यादि विशेषताएं होनी चाहिए। साथियों एकांकी के संवादों में ऐसा एक भी संवाद नहीं होना चाहिए जो उसके मूल तथ्य और उद्देश्य से प्रत्यक्षतः संबद्ध ना हो। बच्चों एकांकी के संवाद पात्रों के चरित्रोद्घाटक एवं गतिशील होने चाहिए। उनमें सरलता, सहजता एवं वातावरण के निर्माण की क्षमता होनी चाहिए। संवाद छोटे छोटे एवं दृश्यात्मक होने चाहिए। तो अब हम बात करते हैं चौथे पॉइंट की। चौथा पॉइंट है आपका संकलन त्रय। बच्चों देखा जाए तो एकांकी में लघु आकार में एक घटना के द्वारा तीव्रता से कार्य सिद्धि दिखाई जाती है। इसलिए इसमें कार्य, काल और स्थान की एकता होनी चाहिए। एकांकी की समस्त घटनाएं एक ही स्थान पर और यथासंभव थोड़े से समय के लिए होनी चाहिए। कुछ समीक्षकों का मत है कि एकांकी में संकलन त्रय उपयोगी सिद्ध हो सकता है, परंतु उसे कठोरता पूर्वक आवश्यक
नहीं बनाया जा सकता। साथियों वैसे भी संकलन त्रय का निर्वाह देश का उद्देश्य आदि तत्वों में समाविष्ट हो जाता है। अब हम बात करेंगे आपसे देश काल या वातावरण की। तो बच्चों आपका पांचवा पॉइंट है देश काल या वातावरण। पांचवा पॉइंट की बात करते हैं कि वहां का आसपास का वातावरण कैसा होना चाहिए, उसकी बात कर लेते हैं। आप आगे देखेंगे बच्चों। साथियों एकांकी के कथानक में प्रस्तुत घटनाएं सार्वजनिक न होकर विशिष्ट देश काल में ही घटती हैं और स्त्री पुरुष किसी एक देश काल में ही अपने जीवन की क्रिया व्यापार करते हैं। बच्चों इसीलिए एकांकी में देश काल या वातावरण का निर्माण आवश्यक है। बच्चों ऐतिहासिक एकांकियों में तो इसका महत्व तो और भी अधिक है। वातावरण की कुछ दृष्टि तो मंच व्यवस्था से पूरी हो जाती है। इसके लिए एकांकिकार को आवश्यक रंग संकेत देने चाहिए। साथियों निर्देशक उनमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन भी कर सकता है और वातावरण सृष्टि के लिए पात्रों की वेशभूषा, बोलचाल में प्रयुक्त होने वाले पारिभाषिक शब्द और पात्रों के व्यवहार पर एकांकीकार का विशेष ध्यान एकांकीकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। ये था आपका देश काल और वातावरण। तो आपको समझा दिया गया है बच्चों, अध्ययन कर लिया आपने वेशभूषा, बोलचाल की भाषा, पारिभाषिक शब्द और पात्रों के व्यवहार पर एकांकीकार को विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब हम बात करेंगे भाषा शैली। छठवां पॉइंट आपका है भाषा शैली। भाषा शैली में देखेंगे बच्चों एकांकी में प्रयुक्त होने वाली भाषा भी विशेष प्रकार की होती है। साथियों एकांकी की भाषा में वह विशेषता होनी चाहिए कि जिससे वह कई स्तरों पर अर्थ की व्यंजना कर सके। सांकेतिकता के द्वारा कथ्य और चरित्रों के विविध पक्षों को क्रमशः उद्घाटित कर सके। साथियों भावनाओं के उतार चढ़ाव को स्पष्ट कर सके। एकांकी की भाषा स्वाभाविक बोलचाल की भाषा के निकट हो तथा पात्रों की शिक्षा दीक्षा, सामाजिक मनोवैज्ञानिक स्थिति के अनुकूल हो। उसे इतना मूर्त होना चाहिए कि लगे कि जैसे सब कुछ हमारे सामने घटित हो रहा है। एकांकी का अनेक शैलियों में अपने एकांकियों की रचना कर सकता है, जैसे यथार्थवादी, प्रतीकात्मक, काव्यात्मक इत्यादि। साथियों एकांकी की शैली का स्वरूप इससे भी प्रभावित होता है कि वह किस माध्यम में प्रयुक्त किया जाएगा। रंगमंच पर प्रस्तुत किए जाने वाले एकांकी और रेडियो पर प्रसारित किए जाने वाले एकांकी की शैली में समानता नहीं होनी चाहिए। बच्चों भाव संप्रेषण के लिए एकांकी में समुचित शैली का प्रयोग किया जाना चाहिए। ये थी आपकी भाषा शैली की बात। और अब हम बात करेंगे एकांकी का पॉइंट नंबर 7, उद्देश्य। बच्चों उद्देश्य क्या होना चाहिए एकांकी का, देखेंगे आप आगे। उद्देश्य की बात करते हैं आपसे। उद्देश्य में एकांकी का जो उद्देश्य है वो सामाजिक, धार्मिक, नैतिक, समस्या मूलक एवं सुधारात्मक आदि कैसा भी हो सकता है। साथियों उद्देश्य से कथानक संगठित रहता है। उद्देश्य से एकांकीकार के विचारों की अभिव्यक्ति होती है। सामान्यतः रचना में उद्देश्य स्पष्टतः ज्ञात हो जाता है।
परंतु कभी कभी पूरी तरह संप्रेषित नहीं होता है। बच्चों, इसीलिए एकांकी का उद्देश्य स्पष्ट सुबोध एवं संप्रेष्य होना चाहिए। ये थी आपकी उद्देश्य की बात। और अब हम बात करेंगे, आपसे चर्चा करेंगे 8वें पॉइंट पे, अभिनयशीलता। पॉइंट नंबर 8, अभिनयशीलता। साथियों, एकांकी दृश्य काव्य होता है और तथा उसकी रचना रंगमंच के लिए ही होती है। अतः अभिनयशीलता एकांकी का प्रमुख तत्व माना जाता है। इसके लिए एकांकीकार को मंच को ध्यान में रखकर दृश्य योजना बनानी चाहिए। उसे बीच बीच में आवश्यक रंग संकेत और अभिनय निर्देश भी देने चाहिए। साथियों, जिन घटनाओं अथवा दृश्यों को रंगमंच पर उपस्थित नहीं किया जा सके, उन्हें पात्रों के संवादों के माध्यम से ही सूचित कर देना चाहिए। एकांकी के सफल अभिनय के लिए उनमें संवाद, भाषा शैली, वातावरण आदि का पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 9 की। 8वां पॉइंट है आपके बच्चों, अभिनयशीलता। 8वें पॉइंट की बात करते हैं, अभिनयशीलता। देखा जाए तो एकांकी है वो अभिनय रंगमंच के हिसाब से ही, उसको दृश्य काव्य कहा गया है। देखने जैसे रंगमंच में कोई भी नाटक के तौर पर एकांकी की पृष्ठभूमि रखी जाती है तो उसको दृश्य काव्य के रूप में लिया जाता है। वो दृश्य काव्य है एकांकी, आप देखेंगे आगे। बच्चों, एकांकी दृश्य काव्य होता है तथा इसकी रचना रंगमंच के लिए ही होती है। और अतः अभिनयशीलता एकांकी का एक प्रमुख तत्व माना जाता है। इसके लिए एकांकीकार को मंच को ध्यान में रखकर दृश्य योजना बनानी चाहिए। उसे बीच बीच में आवश्यक रंग संकेत और अभिनय निर्देश भी देने चाहिए। साथियों, जिन घटनाओं अथवा दृश्यों को रंगमंच पर उपस्थित नहीं किया जा सके, उन्हें पात्रों के संवादों के माध्यम से ही सूचित कर देना चाहिए। साथियों, एकांकी के सफल अभिनय के लिए उनमें संवाद, भाषा शैली, वातावरण आदि का पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए। ये बात थी अभिनयशीलता की। अब आप समझ गए होंगे अभिनयशीलता किसको कहते हैं, क्योंकि देखा जाए तो एकांकी का प्रमुख तत्व क्या है, अभिनयशीलता, और इसको रंगमंच पर ही दृश्य काव्य के रूप में दिखाया जाता है। तो साथियों, अब हम बात करेंगे 9वें पॉइंट की। 9वां पॉइंट है आपका प्रभाव ऐक्य। बच्चों, यह एकांकी का मुख्य तत्व माना जाता है। इसके संबंध में सिडनी बॉक्स का कथन है। सिडनी बॉक्स जो एक समीक्षक है, सिडनी बॉक्स का कथन है कि एकांकीकार को रचना करते समय प्रभाव ऐक्योत्पादन का पूरा ध्यान रखना चाहिए। प्रभाव ऐक्य का तात्पर्य है साथियों, पाठक या दर्शक के मन पर पड़ने वाला समग्र प्रभाव। प्रभाव ऐक्य का मतलब होता है पाठक या दर्शक के मन पर पड़ने वाला समग्र प्रभाव। प्रभाव की एकता रहने पर ही एकांकी की संप्रेष्यता एवं सफलता निर्भर करती है। साथियों, अब बात करेंगे आगे 10वें पॉइंट पर चलते हैं। 10वां पॉइंट है आपका दृश्य विधान। दृश्य विधान की बात करते हैं। तो बच्चों, दृश्य विधान में आप देखेंगे पूर्वोक्त सभी तत्वों का एकांकी में पूर्णतया निर्वाह होना चाहिए। वर्तमान में इन तत्वों के अलावा एक अन्य तत्व और माना जाता है, वह तत्व है दृश्य विधान। साथियों, इसका तात्पर्य यह है कि एकांकी में एक अंक में 5 दृश्य हो सकते हैं और एक दृश्य भी हो सकता है, परंतु उन सभी दृश्यों में एक सूत्रता होनी चाहिए। बच्चों, एक दृश्य की घटनाओं से दूसरे दृश्य की सूचना मिलनी चाहिए।
विद्वानों का मत है कि आदर्श एकांकी में तीन ही दृश्य पर्याप्त होते हैं। इस तरह एकांकीकार को दृश्य विधान का भी ध्यान रखना चाहिए। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि एकांकी में इन सभी तत्वों का निर्वाह होना चाहिए। इनके उचित संयोजन से एकांकी रचना प्रशस्य बन जाती है और उसमें संप्रेषणीयता आ जाती है। तो साथियों, यहाँ आपका ये एकांकी के तत्वों का जो अध्ययन करवाया गया है आपको, यहाँ कंप्लीट हो जाता है। अब हम ले चलते हैं आपको आगे, आगे बात करते हैं आपसे, देखेंगे बच्चों।